आपने सत्य ही कहा पिताश्री, मैं ना तो अच्छा राजा बन सका, ना अच्छा पति और ना ही अच्छा पिता। मुझे दंड मिलना ही चाहिए, और यह भी सत्य है कि राजा को दंड स्वयं राजा ही दे सकता है। नहीं स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। मेरे अपराध का यही दंड है, यही मेरा प्राश्चित है। नहीं, पाप अपराध का प्राश्चित नहीं होता, आत्महत्या पाप है, और मैं आपको एक कदापि नहीं करने दूंगी। क्यों रोका मुझे? मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? क्यों रोका मुझे? मेरी आंखों से बहने वाले पुत्र वियोग के अश्रु को तो आप पोंछ ना सके, मेरी मां का सिंदूर पोंछ देना चाहते थे, गोद सुनी हो गई, मांग भी सुनी कर देना चाहते थे। पुत्र के लौटने की तो मैं प्रतीक्षा कर सकती हूं, आपको कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगी? तो फिर मैं क्या करूं? मुझ में तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि तुमसे एक क्षमा याचना कर सकूं। ऐसा ना कहिए महाराज। जब ऐसा ही है तो ऐसा क्यों ना कहूं? दोष तो मेरा ही था और दंड तुम भोग रही हो। पिताश्री ने आकर मेरी आंखें खोल दी, पर दुख तो इस बात का है कि आंखें तब खुली जब समय बीत चुका था, वर्षा तब हुई जब खेती सूख चुकी थी। अब भी समय है महाराज, पुत्र ध्रुव अभी दूर तक नहीं गया होगा। तो फिर ठीक है, मैं स्वयं जाऊंगा अपने पुत्र की खोज में। मैं स्वयं खोजूंगा अपने पुत्र ध्रुव को। आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं देवर्षि। प्रसन्न क्यों ना हूं सर्वेश्वर, धरती पर जब कोई अनुपम घटना घटती है तो मन इस प्रकार से खिल उठता है मानो बसंत बयार बहने से मधुबन। और आज तो मैंने वो दृश्य देखा जिसे देखकर मैं आनंद विभोर हो उठा। मुझे ज्ञात नहीं था कि कभी कभी किसी के कड़वे वचन भी कानों में अमृत रस घोल दिया करते हैं। तो अपनी प्रसन्नता हमसे नहीं बांटेंगे देवर्षि? आपसे क्या छिपा सकता हूं, आप तो विश्वव्यापी हैं। परंतु विश्वास कीजिए, आज महाराज मनु ने अपने पुत्र को ऐसी खरी खरी सुनाई कि मेरा मन तो झूम उठा। उत्तानपात पर सुरुचि की मोह माया का जो रंग चढ़ा हुआ था वो तो ऐसे उतर गया जैसे बरखा की बौछार पड़ने से वृक्ष पे जमी धूल उतर जाती है। मनु ने वही किया जो एक परिवार के सर्वे सर्वा को करना चाहिए था। नई पीढ़ियां जब अकारण ही आवेश में आकर अपने पूर्वजों के बनाए हुए अच्छे नियम तोड़ने लगे, सुंदर परंपराओं का त्याग करने लगे और अपने संस्कारों से विमुख होने लगे, तो बड़ों का कर्तव्य है कि उन्हें भटकने पर टोकें, पतन से रोकें। जिस प्रकार एक अंकुश मदमस्त हाथी को अनियंत्रित होने से रोकता है, उसी प्रकार बड़ों का उपदेश छोटों को भटकने से रोकता है।
परंतु मुझे आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि उत्तानपाद चुपचाप सिर झुकाए अपने पिता की फटकार सुनता रहा। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है देवर्षि। जिस प्रकार देर तक सोने वाले को सूर्य की तीव्र किरणें जागने के लिए विवश करती हैं, उसी प्रकार मनु के कटु वचन ने उत्तानपाद को झिंझोड़ना चाहा था। और पुत्र को भी पिता का इसी प्रकार आदर करना चाहिए, क्योंकि पिता ने पुत्र से अधिक जीवन जिया होता है। पिता के अनुभव पुत्र के अनुभवों की तुलना में कहीं अधिक विशाल, अधिक व्यापक और समय की कसौटी पर अधिक खरे उतरे हुए होते हैं। देवर्षि, नवीन पीढ़ियों को भी यह जान लेना चाहिए कि जीवन मार्ग पर उनके पहले के यात्रियों, उनके पूर्वजों के पदचिन्ह उन दीपकों के समान हैं जो उन्हें सही राह दिखाते हैं। मनु ने उत्तानपाद को उचित मार्ग दिखाया। उचित मार्ग? आपकी लीला भी विचित्र है मायापति। आपने ध्रुव को अपनी ही खोज में भेज दिया और उधर महाराज उत्तानपाद ध्रुव की खोज के लिए निकल रहे हैं, और इस बात को आपसे अच्छा और कौन जान सकता है कि ध्रुव का आप तक और उत्तानपाद का ध्रुव तक पहुंचना कितना कठिन है। कठिनाइयां ना हो तो मानव जाति में चुनौतियां स्वीकार करने की क्षमता ही समाप्त हो जाए। हर पग पर सरलता मिली तो मानव जीवन बहुत कठिन हो जाएगा देवर्षि। जूझने दीजिए उन दोनों को अपने संघर्षों से। उन्हें पता तो चले कि जीवन की कठिनाइयों से हर व्यक्ति को स्वयं ही उलझना पड़ता है और स्वयं ही उनके समाधान ढूंढने पड़ते हैं। वह तो ठीक है प्रभु, मुझे महाराज उत्तानपाद की चिंता नहीं है। वो तो ध्रुव की खोज में निकले हैं। ध्रुव किन मार्गों पर जा सकता है, किन क्षेत्रों में जा सकता है, इसका ज्ञान है उनको। उन्हें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है। मुझे चिंता ध्रुव की है प्रभु। वो तो आपकी खोज में निकला है, उसे तो अपने नगर के मार्गों का ज्ञान नहीं है, तो फिर क्षीर सागर के मार्ग का क्या ज्ञान होगा प्रभु। प्रश्न ये उठता है कि ध्रुव का मार्गदर्शन कौन करेगा। आप करेंगे देवर्षि, ध्रुव का मार्गदर्शन आप करेंगे। मैं? हाँ आप। वैसे भी सारे विश्व को विष्णु का पता तो आप ही बताते हैं। इन तीनों लोकों में आपसे बड़ा मार्गदर्शक और कौन हो सकता है मुनिवर? ध्रुव का मार्गदर्शन आप ही को करना होगा। आपका कथन मेरे लिए आदेश के समान है प्रभु। तो फिर अपना कार्य सिद्ध कीजिए। महादेवी लक्ष्मी भी व्याकुल हैं ध्रुव के लिए, उनकी अशांति दूर कीजिए। किंतु माता हैं कहां? माता है ना, ध्रुव का कष्ट उनसे सहन नहीं हो रहा था देवर्षि, इसलिए धरती पर गई हैं उसे भोजन कराने। परंतु समस्या यह है कि उसे तो भोजन की भूख ही नहीं है, उसे तो केवल हमारे दर्शन की प्यास है, और वो प्यास उसका मार्गदर्शन करके आप ही तृप्त कर सकते हैं मुनिवर। ठीक है प्रभु, यदि आप ये चाहते हैं कि आप भी मेरी परीक्षा लें तो ऐसा ही सही। मैं चेष्टा करूंगा कि ध्रुव उस मार्ग पर चले जो उसके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। नारायण नारायण। अरे माता आप? हाँ, मैंने सोचा तुम जाग गए होंगे, तुम्हें भूख लगी होगी ना। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरा इतना ध्यान रखा, पर अभी तक आपने अपना पूरा परिचय भी नहीं दिया। कहा ना कि माता हूँ,
माता का परिचय क्या? माता तो एक नाते का नाम है, पर जिससे इस नाते का संबंध होता है उसका भी अपना एक नाम होता है। अच्छा, मेरा नाम तो सुनो, मेरा नाम विष्णु प्रिया है। विष्णु प्रिया अर्थात भगवान विष्णु की प्रिया? या भगवान विष्णु की प्रिया है, तब तो आप ये भी जानते होंगे कि भगवान विष्णु कहाँ निवास करते हैं। नाम विष्णु प्रिया होने से कोई भगवान विष्णु की प्रिया थोड़ी ही हो जाती है, और यदि ऐसा होता तो इस समय भगवान विष्णु मेरे साथ होते और तुम्हें उनकी खोज में भटकना नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ, चलो इसे ग्रहण कर लो। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं जानता हूँ तुम मुझे खिलाए बिना भोजन नहीं करती थी, पर मैं भगवान विष्णु से मिले बिना तुम्हारे पास नहीं आ सकता। लो। धन्यवाद माते, मुझे भूख नहीं है। क्यों बेटे? पुत्र ध्रुव, ध्रुव पिताश्री, पुत्र ध्रुव पिताश्री आ रहे हैं, मुझे कहीं छुपा दो। क्यों बेटे? पिताश्री आ रहे हैं, मुझे देख लिया तो मुझे घर पकड़ ले जाएंगे, मैं घर जाना नहीं चाहता, मुझे कहीं छुपा दो माते, मुझे कहीं छुपा दो। चलो चलो मेरे साथ। राजा ध्रुव कहाँ चले गए हैं माते? जहाँ भी गया हो तुझे क्या करना है? मेरे लाल, जिस दिन तेरा जन्म हुआ था उसी दिन मैंने स्वप्न संजो लिया था कि राज मुकुट सिर्फ तेरे ही सर पर रखा जाएगा। उसी दिन मैंने मन में ठान ली थी कि राज सिंहासन पर सिर्फ तू ही बैठेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। भगवान की अपार कृपा है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ध्रुव स्वयं ही चला गया। तेरी राह का एक ही कांटा था, वो भी दूर हो गया। परंतु पिताश्री तो उन्हें ढूंढने गए हैं। ढूंढने नहीं गए हैं पुत्र, ढूंढने का स्वांग रचा रहे हैं, नहीं तो संसार कहेगा कि पिता को पुत्र की चिंता ही नहीं। वास्तव में वो प्यार तो तुझसे करते हैं, और वो भी इसलिए कि तू मेरा पुत्र है। अब शीघ्र ही भोजन समाप्त कर ले, हमें बहुत से कार्य करने हैं। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं राजगुरु। क्षमा? मुझसे क्षमा? किस बात की क्षमा? मैं क्षमा मांगने आया हूं राजगुरु अपने उस भूल की कि मैंने आपका परामर्श ठुकरा दिया। आपने मुझे रोका था, और बिल्कुल ठीक रोका था कि मैं महारानी सुनीति का स्थान सुरुचि को ना दूं, परंतु मैंने आपका तिरस्कार किया। मैं अपनी उसी भूल की क्षमा मांगने आया हूं। राजा मांगता नहीं है महाराज, राजा तो देता है, प्रदान करता है। राजा क्षमा मांगने लगे तो अपराधी को दंड कौन देगा महाराज? आपकी भूल ये थी कि आप अपनी इंद्रियों को वश में न रख सके, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न कर सके। जिस प्रकार अश्व का सवार
यदि अपने अश्व को नियंत्रण में न रख सके तो अश्व उसे अपनी पीठ से धरती पर गिरा देता है। उसी प्रकार आप अपनी कामुक इच्छाओं पर नियंत्रण न कर सके और इन इच्छाओं ने आपको वहां पहुंचा दिया जहां आप आज स्वयं को पा रहे हैं। कर्म से गिरकर आपने राजा के धर्म को लज्जित कर दिया है महाराज। राजा तो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसे किसी से क्षमा मांगना शोभा नहीं देता। मुझसे वास्तव में भारी भूल हुई है, मुझे दंड दीजिए राजगुरु, मुझे दंड दीजिए। भूल अवश्य हुई है महाराज, परंतु मैं दंड देने वाला कौन होता हूं? मुझे तो ये अधिकार ही प्राप्त नहीं। ये भूल आपने मर्यादा के विरुद्ध की है, अपने राजधर्म के विरुद्ध की है, और इस भूल का दंड या क्षमा आपको स्वयं आप प्रदान कर सकते हैं या ईश्वर। मुझे स्वीकार है आपका परामर्श राजगुरु, परंतु आप ही बताइए कि मैं स्वयं को इस भूल का क्या दंड दूं? वो तो आपको मिल ही रहा है महाराज, क्या पुत्र भी हो किसी दंड से कम है? क्या इस राजमहल का सूनापन और सन्नाटा किसी दंड से कम है? क्या ये कुछ कम दंड है कि आप राजभवन में हैं और पुत्र ध्रुव वनों की धूल छान रहा है? राजगुरु, यही दुख तो मुझे चैन नहीं लेने देता। चैन तो आपको उसी समय मिलेगा महाराज जब आप ये निश्चय कर लेंगे कि आप इस भूल को न स्वयं दोहराएंगे न कभी किसी को दोहराने देंगे। प्रजा तो राजा के पद चिन्हों पर चलती है, आप अपनी प्रजा को विश्वास दिलाइए कि ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। रही क्षमा तो वो तो केवल ईश्वर ही कर सकता है। आप भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके पुत्र की इच्छा पूर्ति करते। ये होता है तो आपको अपने आप ही क्षमा मिल जाएगी। वो तो मैं अवश्य करूंगा राजगुरु, किंतु इस समय जाकर महारानी सुनीति से क्या कहूं, यही सोच मुझे खाई जा रही है। कुछ तो खा लीजिए महारानी जी, इसे ले जाओ दासी, मुझे भूख नहीं है। कब तक आप भूखी रहेंगी महारानी जी, कुछ तो खा लीजिए ना। कैसे खाऊं, न जाने मेरे ध्रुव ने कुछ खाया होगा कि नहीं। मेरा पुत्र महाराज? नहीं, कहीं नहीं मिला। मैंने सारा क्षेत्र छान मारा, उसका कहीं पता नहीं चला। सुनीति, ये सब मेरा ही किया धरा है। दिग्विजय उत्तानपात अपने अनंतपुर में पराजित हो गया। सरुचि के मोहजाल में आकर हमने आप पर और अपने पुत्र ध्रुव पर बड़ा ही अन्याय किया है। ऐसा ना कहे महाराज, ये सब मेरे भाग्य का खेल है। एक बार और चेष्टा करके देख लेते हैं। इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी, वनों में, पहाड़ियों में, घाटियों में, हर जगह उसे पुकारूंगी। कभी तो सुनेगा अपनी माँ की करुणा भरी पुकार, कभी तो सुनेगा। एक महारानी होकर आप भटकती फिरे, नहीं, ये उचित नहीं है। महारानी सुनीति कदापि उचित नहीं है।
एक महारानी के लिए उचित नहीं, एक माँ के लिए तो उचित है। पुत्र ठोकरे खाता फिर रहा हो तो माँ को महल में चैन कैसे मिलेगा? देर हो गई तो वो हमसे और दूर चला जाएगा। चलिए महाराज, चलिए। महारानी महारानी, सब बना बनाया खेल बिगड़ गया। शुभ शुभ बोल बावली, कौन सा खेल बिगड़ गया? महारानी सुनीति ने महाराज का मन एक बार फिर जीत लिया है। क्या? ये तू क्या कह रही है? स्पष्ट बता क्या हुआ? मैं वहीं से चली आ रही हूँ। पुत्र अशोक ने महाराज को व्याकुल कर दिया है। वो मेरे सामने महारानी सुनीति के समक्ष अपना पश्चाताप प्रकट कर रहे थे। क्या? हाँ महारानी, और अब दोनों मिलकर राजकुमार ध्रुव की खोज में जा रहे हैं। कुछ कीजिए वरना आपके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। नहीं, यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं देखती हूँ कि महाराज कैसे जाते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? क्यों, क्या मुझे कहीं जाने के लिए तुम्हारी आज्ञा की आवश्यकता है? हम अपने पुत्र को ढूंढने जा रहे हैं जो केवल तुम्हारे कारण राजमहल छोड़कर चला गया है। हम दोनों मिलकर अपने पुत्र को ढूंढेंगे। ये अचानक पुत्र मुंह कैसे उमड़ आया महाराज? पिताश्री ने आकर मेरे नेत्र खोल दिए हैं। मुझे आज ज्ञान हुआ है कि परिवार में पिता का क्या महत्व होता है। मैं भटक गया था, पिताश्री ने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है और अब मैं इस मार्ग को कदापि नहीं छोड़ूंगा। कान खोलकर सुन लीजिए महाराज, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तू मुझे जाने नहीं देगी? तू रोकेगी मुझे? हाँ मैं रोकूंगी आपको, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। तू पत्नी नहीं, पत्नी के रूप में हमारे परिवार के सुख चैन, हमारी एकता और हमारे प्रेम की शत्रु है। महाराज, तू उस चमकती रेत के समान है जो प्यासे यात्री को दूर से जल तो दिखाई देता है, परंतु पास आने के बाद पता चलता है कि वो जल नहीं केवल रेत है। पिताश्री ने आकर मुझे इस मोह जाल से मुक्त कर दिया है। तेरे मोह में फंसकर मैं अपनी देवी समान धर्म पत्नी को भूल चुका था, अपने आप को भूल चुका था। तो ये कहिए ना कि सुनीति ने अंत में आप पर अपना रंग जमा ही लिया। मैं सब समझती हूँ, इसी ने आपको मेरे विरुद्ध भड़काया है। ये बेचारी शोक की मारी किसी को क्या भड़काएगी? इसके मन में तो पुत्र वियोग की अग्नि दहक रही है, पर तू क्या जाने इस दुख को? यदि तेरा उत्तम कहीं चला गया होता तो तुझे ज्ञान होता कि पुत्र वियोग क्या होता है। ये आप क्या कह रहे महाराज? भगवान के लिए इतने अशुभ बोल अपने मुंह से ना बोलिए। भगवान ना करे कि वो कहीं चला जाए। वो केवल आपका ही नहीं, मेरा भी पुत्र है। उसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ? माता कहकर तो वो मुझे भी पुकारता था। मैं तो यही सोचती थी कि ध्रुव के जाने के बाद उत्तम ही हमारे घर का दीपक है। ध्रुव को तो मैं खो चुकी हूं। उत्तम भी अगर कहीं चला गया तो हमारा क्या होगा? देख लिया तुमने, ये है माता, ऐसी होती है ममता। और एक तुम हो कि ध्रुव हरदम तुम्हारी आंखों में कांटे के समान खटकता रहता था। तुम यही चाहती थी ना कि ये राजमहल तुम्हारा हो जाए, यह ऐश्वर्य तुम्हारा हो जाए, मेरे राजकोष, मेरे सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार हो जाए। तो ले, मैं सब कुछ तुम्हें देता हूं और सुनीति को लेकर अपने पुत्र की खोज में जा रहा हूं। यदि वो हमें ना मिला तो हम भी लौट कर नहीं आएंगे। तू बिठा ले अपने पुत्र को राज सिंहासन पर और जैसे चाहे वैसे राज कर। हम जा रहे हैं, चलिए महारानी सुनीति। महाराज।